हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखने वाले हैं। और आज का सेशन में हम लोग मैट्रिक्स का एनसीईआरटी 3.2 चैप्टर का क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि इस क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे तीन मैट्रिक्स यहाँ पे देख रखा हुआ है, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स एंड क्या है सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालने के लिए बोल रहा है, ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। ठीक है, इसको हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यहाँ से हम लोग को सॉल्व करने के लिए बोला है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन, उसके बाद हम लोग करेंगे एल एच एस। ठीक है, चलिए तो ए प्लस बी तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। देखिए सबसे पहला बात है, ये बात यहाँ पे है कि एडिंग करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए मैट्रिक्स ए का भी ऑर्डर 3/3 है, मैट्रिक्स बी का भी ऑर्डर 3/3 है, तो दोनों को ही हम लोग एड भी कर सकते हैं और सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो मैट्रिक्स ए को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ से होगा 2 और ये रहा माइनस का 3, यहाँ से होगा 5 0, यहाँ से होगा 2 1 माइनस 1 और यहाँ से हो जाएगा 1। यहाँ कोई दिक्कत, दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा, बी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 4 होगा, 2 होगा और यहाँ से 5 होगा, 2 होगा, 0 होगा और ये 3 होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कर लीजिए तो दोनों को ऐड करने से कितना आ जाता है हम लोग के सामने में, 1 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4, 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 होगा, माइनस 3 और 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है, 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। देखिए बीच में एडिंग का साइन है, 0 जोड़ 2, ठीक है तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 2 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस 1 और 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 होगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हो गया, ये हम लोग का a प्लस बी, ये हम लोग का एडिंग यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक हम लोग क्या आ जाएगा, एडिंग आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, बी माइनस सी। तो चलिए इसका कलर को हम लोग चेंज कर लेते हैं, बी माइनस सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बी माइनस सी। चलिए तो यहाँ से क्या होगा, मैट्रिक्स बी कितना है भाई, यहाँ पे मैट्रिक्स बी है 3 माइनस 1, यहाँ से होगा 2 4, यहाँ से होगा 2 और ये 5, ये होगा 2 0 और यहाँ से होगा ये 3। ठीक है, माइनस और यहाँ पे सी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 4 1 2, ठीक है 0 3 2, ओके 1 माइनस 2 और यहाँ से ये हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, याद है दोनों को बी माइनस सी, तो बी माइनस सी चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो बी माइनस सी देखिएगा, 3 में 4 चला गया, माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ से माइनस 1, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, देखिए 2 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा ये 0, देखिए 4 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा ये 4, तो 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस का 1, 5 माइनस 2 यहाँ पर हो जाएगा ये 3। ठीक है, 2 माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा 1, ओके ये है हम लोग का 0, ओके ना, तो 0 माइनस माइनस 2 तो ये होगा 2, ओके तो 3 माइनस 3 ये हो जाता है यहाँ से 0, ओके तो बी माइनस सी हम लोग का ये हम लोग यहाँ से निकाल लें। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ जाता है। अब चलिए हम लोग एल एच एस में चलते हैं, एल एच एस इक्वल टू यहाँ पे क्या बोला है, आर एच एस, ये करके दिखाने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एल एच एस में क्या है, बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ से क्या है, ए प्लस, यहाँ से हो जाएगा बी माइनस सी इक्वल टू, आर एच एस में क्या है, आर एच एस में हो जाएगा ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस का सी। ठीक है, तो चलिए मैट्रिक्स ए को यहाँ पे रखते हैं हम लोग, मैट्रिक्स ए कितना है, 123 502 111
123, ठीक है, 502 और 111, इतना पर्सेंट में आ जाता है। ठीक है, अब यहां से बी माइनस सी कितना था, बी माइनस सी कितना लाए हम लोग, बी माइनस सी लाए हैं, देखिए 120, 413, 120, 120, 120, 413 और ये 120। अब कहाँ कहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं। चलिए, तो हम लोग का बी माइनस सी, बी माइनस सी में कहाँ कहाँ माइनस लगा हुआ है देखेंगे हम लोग। बी माइनस सी में है वन में, टू में, वन में, बी माइनस यहाँ पे वन में, टू में, वन में, ठीक है। और मैट्रिक्स ए, ए में कितना में, तीन में और वन में, ठीक है ना, तीन और वन में, यहाँ से थ्री में और ये रहा वन, कौन सा वन, हाँ सेंटर वाला वन। चलिए यहाँ पे ये लगा हुआ है माइनस, इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग के सामने में ए प्लस बी कितना हम लोग लाए थे, ए प्लस बी कितना लाए थे, ए प्लस बी कितना लाए थे हम लोग, यहाँ से देखिए 411, 927, 411, ठीक है, 411, 927 और ये था कितना 134, ठीक है 134। और ये मैट्रिक्स सी, तो मैट्रिक्स सी कितना है, 934 है ना यहाँ पे, अच्छा 314 है, सॉरी 314 है, 314 है, 334 नहीं है यहाँ पे, 314 है। चलिए 314, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है कभी कभार। चलिए इसको लिख लेते हम लोग 314, 314, ठीक है। और मैट्रिक्स सी, मैट्रिक्स सी कितना है, 412, 32, 123, 412, 412, 32 और 123। अब इसमें माइनस कहाँ कहाँ पे है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है, इस माइनस का ही यहाँ पे सारा खेल है। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना है, वन, और वन में यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे माइनस है, तो ए प्लस बी यहाँ पे वन और यहाँ पे वन में माइनस। सी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स में कहाँ माइनस है, दो में माइनस है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 132 है ना, अच्छा 123 है, 123 आगे पीछे हो गया, 123, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, 123 और ये दो पे क्या हो जाएगा, दो में हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइनस। चलिए अब यहां पर सब खेल समाप्त होने वाला है यहाँ पे अब, ठीक है। चलिए तो वन वन में देखिए, वन में माइनस वन कीजिए तो कितना होता है, जीरो, दो माइनस दो जीरो, माइनस तीन और ये जीरो तो कितना हो जाएगा, माइनस का थ्री, फाइव में फोर ऐड कीजिए तो नाइन, जीरो में माइनस वन को ऐड कीजिए तो कितना होगा, माइनस का वन, टू में थ्री को ऐड कीजिए तो क्या होगा, फाइव, वन में वन को ऐड कीजिए तो ये होता है दो, माइनस वन में टू को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा वन, वन में जीरो को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा वन। इतना हम लोग के सामने में भी राइट हैंड साइड में भी आना चाहिए। तो फोर माइनस फोर जीरो, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन और ये माइनस टू तो माइनस का थ्री, नाइन माइनस जीरो तो ये हो गया नाइन, यहाँ से टू माइनस थ्री तो कितना होगा, माइनस का वन, ठीक है। सेवन माइनस टू ये कितना हो जाएगा, फाइव, थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, ये होगा हाँ दो, ठीक है। माइनस वन, माइनस माइनस क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव और यहाँ का ये माइनस, तो दो में एक घटा दीजिए तो कितना होगा, एक, और चार माइनस तीन कितना हो जाएगा, एक। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाएगा वेरीफाइड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में यहाँ पे आ चुका है और इसमें क्या करने बोला है, थ्री ए माइनस फाइव बी, ठीक है। चलिए तो थ्री ए, तो थ्री ए क्या बोल रहा है यहाँ पे, थ्री ए माइनस फाइव बी, तो चलिए यहाँ पे कुछ करना नहीं है, थ्री ए को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए थ्री को थ्री लिख लेते हैं,
ठीक है। और मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से कितना कितना है यहाँ पे, ये 2/3 है, ठीक है, 1/3 है, और ये 7/3 है, ओके ना। चलिए यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ से 2/3 हो जाएगा, यहाँ से 2 होगा, ओके, यहाँ से हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा, और यहाँ से 2/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। माइनस, अब यहाँ से क्या करेंगे, 5b, तो मैट्रिक्स b का कितना हो जाएगा, मैट्रिक्स b यहाँ से 2/5, ओके ना, 1/ कितना हो जाएगा, 1/5, और ये 7/5, ओके। चलिए यहाँ से हो जाएगा 3/5, ये होगा 2/5, ठीक है, और ये होगा 6/5, यहाँ से होगा 1, ये हो जाएगा 4/5, और यहाँ से होगा 2/5, ओके। चलिए इतना तो समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे गौर से थोड़ा इस चीज़ को देखिएगा, ठीक है। देखिए इसको 3 से जब इंटू करेंगे, 2/3 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, 3 कटेगा, 3 को 1 से इंटू कीजिए तो ये बनेगा 3, ठीक है। 5/3 को 3 से इंटू कीजिए तो ये बनेगा यहाँ से 5, ठीक है। 1/3 को 3 से इंटू कीजिए तो ये बनेगा 1, ठीक है। 2/3 को 3 से गुना कीजिए, 3 कटेगा, 2 बचेगा, ठीक है। 4/3 को 3 से गुना कीजिए तो 3 कटेगा, 4 बचेगा। 7/3 को 3 से गुना कीजिए तो 3 कटेगा, 7 बचेगा। यहाँ पे 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2/3 को 3 से गुना कीजिए तो 3 कटेगा और बचेगा 2, ठीक है। माइनस, अब अंदर में इसको भी कर लीजिए माइनस, ठीक है। चलिए 2 गुना कर लीजिए, 2/5 को 5 से गुना कीजिए तो कितना होगा, 2 होगा। 3/5 को 5 से गुना कीजिए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 5 को 1 से गुना कीजिए तो ये होगा 5 होगा। 1/5 को 5 से गुना कीजिए तो 1 होगा। 2/5 को 5 से गुना कीजिए तो 2 होगा। 4/5 को गुना कीजिए, 4/5 को 5 से गुना कीजिए तो 4 होगा। 7/5 को गुना कीजिए 5 से तो ये होगा 7 होगा। 6/5 को 5 से गुना कीजिए तो 6 होगा। 2/5 को 5 से गुना कीजिए तो 2 होगा, ओके। इतना बात समझ में आ गया, अब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फाइनली आंसर हम लोग के सामने कितना होगा, 2 में 2 गया 0, 3 में 3 गया। अब यहां से देखने वाली बात यह है कि 0 मैट्रिक्स बन गया है, 235 124 762, सब जगह सेम सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग के सामने में 0 मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग का जो यहाँ पे निकल करके आया वो क्या हो गया, वो 0 मैट्रिक्स यहाँ से निकल के आ गया, क्योंकि टोटल को माइनस कर देने से पूरा कैलकुलेशन करने से कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। और ये किसके बराबर है, आई के बराबर है, यानी कि ये आप लोग का, सॉरी आई नहीं, ये आप लोग का 0 मैट्रिक्स के बराबर है। आई होता है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो इसको बोल देंगे हम लोग 0 मैट्रिक्स, ओके ना, 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां से हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे कॉस को, ये कॉस को कॉस से इंटू करते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे देख चुके हैं आप लोग, तो कॉस को कॉस से यहाँ पे इंटू कीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस को साइन से इंटू कीजिए तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। यहाँ से कॉस इंटू माइनस साइन थीटा तो ये बनेगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके। यहाँ से कॉस और कॉस को इंटू कीजिए तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए साइन को साइन से इंटू करते हैं, तो साइन को साइन से इंटू कीजिए तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन को माइनस कॉस से इंटू कीजिएगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा को कॉस से इंटू कीजिए तो ये बनेगा यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से इंटू कीजिए तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलिए
अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से कितना आ जाएगा उस चीज को हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉस स्क्वायर जोड़ साइन स्क्वायर, है ना। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ क्या हो जाएगा यहां से, साइन स्क्वायर थीटा। देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहां देखिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो जोड़ने से कितना होगा, जीरो। यहां से माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जोड़िए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या बनेगा, जीरो। यहां से कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से होगा ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा, ओके। चलिए, अब हम लोग इसको क्या लिख लेते हैं, देखिएगा, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, चलिए वन तो लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, और ये वन, तो ये किसके जैसा हो गया, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स यानी कि आई के बराबर। अब बोलिएगा ये कहां से आ रहा है, तो ये वाला आ रहा है आपका क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ नया चीज़ सीखे होंगे, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, तब तक लिए नमस्कार।